हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में। पहली सिलेबस क्लास हुई थी, फिर ये आज पहली ही से टॉपिक की क्लास मान के चलिए। कल मैंने सिलेबस डिस्कशन में आपको बताया था कि हम रिलेटिविटी पढ़ने वाले हैं। अब इस टर्म को थोड़ा सा आपके आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं रिलेटिविटी है क्या, तो आप क्या कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में इस रिलेटिविटी टर्म को बताइए ये है क्या। अगर मैं आपसे पूछूं रिलेटिविटी, तो आपके माइंड में दो वर्ड आते हैं, एक तो रिलेटिव और एक रिलेशन। क्या? रिलेटिव और रिलेशन। तो मैं आपसे पूछूं रिलेटिव क्या होते हैं, रिश्तेदार, और रिलेशन क्या होता है, रिश्ता। तो मेरा ये बताओ, मेरे जो रिश्तेदार होंगे, मैं खुद होऊंगा या कोई और होगा? मेरे रिश्तेदार मैं खुद हूंगा या कोई और होगा? नॉर्मल सी चीज है, मेरा रिश्तेदार मैं खुद नहीं हो सकता, या मेरा खुद के साथ कोई रिलेशन नहीं हो सकता, दूसरों के साथ होगा। जैसे आपके साथ टीचर स्टूडेंट का रिलेशन है, फादर के साथ सन का रिलेशन है, मदर के साथ सन का रिलेशन है, सिस्टर के साथ ब्रदर का रिलेशन है, तो रिलेशन हमेशा दूसरे बंदे से होगा। तो रिलेटिविटी यही बताती है, अगर हमें किसी की पोजीशन, मोशन, ये सब डिस्क्राइब करना है, तो वो खुद के रेस्पेक्ट में नहीं बताया जा सकता, वो किसी अन्य बॉडी के रेस्पेक्ट में बताया जाएगा। जैसे मैं आपसे एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं अब रेस्ट में हूँ या मोशन में? आपको मैं रेस्ट में दिखाई दे रहा हूंगा, लेकिन अगर आप मून पर बैठकर मुझे देखते हो, तो मैं कैसा दिखाई दूंगा आपको? मोशन में। क्यों? क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है, तो अर्थ के साथ मैं भी रोटेशन ले रहा हूंगा। तो हमारा जो मोशन बताया गया, वो देखने वाले के बेस पे बताया गया। देखने वाले के बेस पे कैसे? देखने वाला हमें बता सकता है कि हम मोशन में है या रेस्ट में है। चलिए, ये हमें रिलेटिविटी टर्म का पता चला। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, रिलेटिविटी को हम दो टाइप में बांट देते हैं। एक तो होता है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्या? जनरल, सामान्य। और भैया सामान्य बात तो हम कभी करते ही नहीं। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पहला तो ये था, और दूसरा है आपका स्पेशल, है नाम में स्पेशल है, दूसरा है आपका स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये तो अपने आप में ही स्पेशल है। तो अगर मैं आपसे बात करूं, कोई बॉडी रेस्ट में है, किस में है बच्चा? रेस्ट में है, रेस्ट में, या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। कुल मिलाकर मैं कहूं उसका एक्सीलरेशन शून्य है। सर एक्सीलरेशन शून्य कैसा है? अरे एक्सीलरेशन क्या होता है बच्चा मेरे? एक्सीलरेशन होता है त्वरण। क्या होता है? त्वरण। और ये किसके बराबर होता है? ये होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी के वेग में परिवर्तन बटे समय। कहां से आया? अरे गति की पहली समीकरण v इक्वल टू u प्लस at, u इधर आके माइनस का इज इक्वल टू at, t मल्टीप्लाई में है डिवाइड में v माइनस u अपॉन t इज इक्वल टू a। ये ना रहा वेग परिवर्तन बटे समय। अगर बॉडी रेस्ट में है तो वेग होगा ही नहीं, त्वरण जीरो। कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का मतलब सेम है, जितनी पहले थी उतनी ही बाद में है, तो दोनों का डिफरेंस चेंज क्या हुआ? जीरो। तो जीरो बटे कुछ भी हो, जीरो ही होना है। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कब होगी? बॉडी रेस्ट में हो या कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से। जैसे अर्थ घूम रही है, वो अपनी वेलोसिटी बदलती है या कॉन्स्टेंट है? वीडियो पॉज करो, बताओ बच्चा, वो कांस्टेंट है, तो इस वजह से वो किसके अंदर कंसीडर होगी? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के। और कोई बॉडी अपना एक्सीलरेशन बढ़ा रही है या घटा रही है? अपना एक्सीलरेशन बढ़ा रही है, इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, वो किसके अंदर कंसीडर होगी? जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के। अब आप घबराओ मत, हमें कौन सी पढ़नी है? केवल स्पेशल थ्योरी। हमारे सिलेबस में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, तो हम किस पे चर्चा करने वाले हैं आज हम केवल चर्चा करेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इस हिस्से को रफ कर देता हूं। आप लिखना चाहो ये बात लिख सकते हो, हालांकि इच्छा के ऊपर है आपकी। हम कोर्स स्पीड से लेकर चलेंगे थोड़ा, यानी कि क्लास कंटिन्यू रखेंगे, कोर्स तो थोड़ा सा है,
कल को बुक दिखाऊंगा, इतनी इतनी सी बुक है। इस बार तो बहुत छोटा सा सिलेबस है, और कुछ यूनिवर्सिटीज में एमसीक्यू है। एमसीक्यू जानते हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय है, तो वे भी घबराए ना। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी वाज फर्स्टली गिवन बाय आइंस्टीन, यानी कि जो आपका रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट है वो पहली बार किसने दिया था? हमारे आइंस्टाइन जी ने दिया था पहली बार। ठीक, कब दिया था? 1905 में। अकॉर्डिंग टू इट, इसके अनुसार पोजिशन, साइज, टाइम, मोशन, लेंथ ऑल आर रिलेटिव, यानी कि सबको किसी के रेस्पेक्ट में बताया जाता है, खुद ये स्पेसिफाइड नहीं हो सकते, यानी कि ये सब रिलेटिव है। न्यूटन ने मोशन को क्या बताया था? एब्सोल्यूट है। मोशन क्या है? एब्सोल्यूट। इसे स्पेसिफाइड करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, खुद में कंप्लीट है। लेकिन आइंस्टाइन ने कहा ना ना, मोशन एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव है। लोगों ने पूछी कैसे? उन्होंने एग्जाम्पल देके भी बता दिए, जो मैंने अभी दिए, चांद वाला एग्जाम्पल दिया, ट्रेन वाले और जितने भी हैं। अब आओ, रिफरेंस फ्रेम क्या है? अब ये रिफरेंस फ्रेम का कॉन्सेप्ट बड़ा मजेदार है। पहले कॉन्सेप्ट समझो, लिखेंगे तब, क्योंकि बीएससी थर्ड ईयर कुछ यूनिवर्सिटीज में, जैसे चौधरी चरण सिंह है, एमसीक्यू होता है, तो हम पढ़ेंगे दोनों तरीके से, एमसीक्यू भी और आपका आपका क्या डेस्क्रिप्टिव भी। ठीक, समझो ध्यान से, रेफरेंस फ्रेम क्या है। मैंने कहा आप लोग मेरे घर आ जाओ, बैठ के कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, बड़ी गर्मी हो रही है। आपने कहा ठीक है सर। मैंने कहा फटाफट आ जाओ। आपने कहा सर बड़े तेज हो रहे हो। मैंने पूछा कैसे? आपने कहा घर बुला तो लिया, घर का एड्रेस तो बताओ। मैंने कहा मवाने आ जाओ, मेरठ आ जाओ, दिल्ली आ जाओ, हस्तनापुर आ जाओ, सब अपने ही क्षेत्र हैं। आपने कहा मान लीजिए सर हम हस्तनापुर आ रहे हैं, तो हस्तनापुर आगे फिर आपके घर कैसे आएंगे? मैंने कहा कि पुलिस चौकी होगी, एक पुलिस चौकी की साइड में सिंडिकेट बैंक है, वहीं उसके ऊपर हमारा घर है। तो मैंने आपको क्या बताया? पुलिस चौकी, सिंडिकेट बैंक, उसके ऊपर अपना घर बताया। तो अपना घर बताने के लिए मैंने क्या बताया? सिंडिकेट बैंक का इस्तेमाल किया, या स्टेट बैंक, केंद्र बैंक जो भी है, या पुलिस चौकी का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया? मैंने पुलिस चौकी का इस्तेमाल किया। तो किसी भी बॉडी की पोजीशन बताने के लिए हम जिस भी एक पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, वो पॉइंट ही क्या कहलाता है? रिफरेंस पॉइंट। क्या कहलाता है? रिफरेंस पॉइंट। तो मेरे घर के रिफरेंस पॉइंट क्या है? सिंडिकेट बैंक, पुलिस चौकी। रिफरेंस पॉइंट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा मुझे आपके घर आना है, आपने कहा सर बिल्कुल आ जाओ। मैंने कहा कहाँ है आपका घर? आपने कहा सर बिहार में छपरा में आ जाओ। मैंने कहा चलो मैं छपरा आ गया, वहां छपरा में कहाँ ढूंढू? आपने कहा शिव जी का एक मंदिर है, महादेव मंदिर, बड़ा महादेव मंदिर, उसके साइड में एक गली है, उस गली में अपना घर है। तो आपके लिए क्या हो गया रेफरेंस पॉइंट? छपरा हो गया, बिहार हो गया पहला, दूसरा छपरा हो गया, तीसरा क्या हो गया आपके लिए? महादेव मंदिर। अब मैंने कहा गली में आ गया, अब कैसे हूं? आपने कहा गली में किसी से भी पूछ लो नत्थू का घर कौन सा है, आपके दादा का नाम मान लीजिए नत्थू है, तो आपके घर के रेफरेंस फ्रेम कौन हो गए? नत्थू जी। समझ गए? तो रेफरेंस फ्रेम क्या है? जिसके रेस्पेक्ट में किसी बॉडी की कोई पोजिशन बताई जाती है, ठीक है, लोकेशन बताई जाती है, वो रेफरेंस फ्रेम होता है, रेफरेंस पॉइंट। सर फिजिक्स में कैसे बताएंगे? अब फिजिक्स में हम ऐसे तो नहीं बताने नत्थू का घर बिहार छपरा या पुलिस चौकी या सिंडिकेट बैंक, फिजिक्स में ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करते। तो फिजिक्स में जो रेफरेंस फ्रेम हमने मान लिया, क्या मान लिया चांद मेरे? रेफरेंस फ्रेम जो हमने एज्यूम किया, वो हमने एज्यूम किया, अभी छोड़ो, अभी मैं बता नहीं रहा, अभी नहीं बता रहा। मान लो मुझे किसी पॉइंट की लोकेशन बतानी है, फिजिक्स में कोई पॉइंट है, मुझे इसकी लोकेशन बतानी है, तो मैं किसका इस्तेमाल करता हूं? ये पी कोई पॉइंट है, पी, मुझे इसकी लोकेशन बतानी है, वीडियो पॉज करो और फटाफट बताओ। हाँ, एक दो बच्चे ने सही बताया होगा। हम इस्तेमाल करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस का। किसका? कोऑर्डिनेट एक्सिस का। ये ओरिजिन है, ये एक्स, ये वाई, ये जेड। तो हम क्या बताते थे?
इस पे लिखते थे 6-5 कि एक्स पे तो 6 चलना है और वाई पे 5 चलना है तो आप पी पॉइंट पर पहुंच जाओगे। तो ये ही रिफरेंस फ्रेम किसका, कोऑर्डिनेट एक्सिस का, क्या कहलाता है, रिफरेंस फ्रेम, कॉम्बिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस विच इज यूज टू डिस्क्राइब द पोजिशन, यानी कि एक तरीके से एक्सिस का कॉम्बिनेशन जो पोजिशन बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं रिफरेंस फ्रेम कहलाता है। अब मैंने इसकी टेक्निकल डेफिनेशन एमसीक्यू वालों को समझा दिया। एमसीक्यू वालों पहली चीज याद रखना, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी थी, आइंस्टाइन ने। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए या बॉडी रेस्ट में होनी चाहिए, ये एमसीक्यू वाले याद रखना तीनों पॉइंट। नेक्स्ट हेरा ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस का एक सिस्टम विच डिस्क्राइब्स द पोजिशन कह लो किसी पार्टिकल की और अ फिजिकल फिनोमिना, किसी फिजिकल फिनोमिना की और एन इवेंट की इन द टू और थ्री डायमेंशनल स्पेस, टू या थ्री के, दो में तो एक में तो बता ही नहीं सकते या एक्स या वाई या जेड के अकॉर्डिंग। मैंने कहा पी सिक्स है तो कैसे डिफाइन कर पाओगे, तो टू या थ्री डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब अगर हमें टाइम भी इसके साथ में डिस्क्राइब करना हो तो होगा स्पेस टाइम रेफरेंस फ्रेम या स्पेस टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फिर इसके दो हम पार्ट पढ़ेंगे, अभी स्टूडेंट सारे जागृत नहीं हुए, खुद के अभी पेपर रह रहे हैं सेकंड ईयर के, इस वजह से थोड़ा स्लो चल रहे हैं। ठीक, कल मिलेंगे हम क्या, स्पेस टाइम रेफरेंस फ्रेम और इसके टाइप्स। कल की क्लास थोड़ी सी लेंथी रहने वाली है, इसका स्क्रीनशॉट लो, लिख लो, मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, शुभ संध्या, प्रणाम।